जिगरा हो तो खन्ने जैसा। ले भाई बर्थडे दे रहा गिफ्ट मेरा भाई, ये चाबी ले ले भाई, 1000 RR की बस। जी हाँ सच है, ये मेरी गाड़ी का कल दूसरी बार क्रैश हुआ, एक बार पहले हुआ था वो भी स्विफ्ट के साथ हुआ था। सच बताऊं भाई मन नहीं लग रहा घर पे, होता है भाई। कल हमने स्विफ्ट को तो टक्कर मार के दिखाई, अब थार में टक्कर मार के दिखाते हैं। चक्का अभी भाई गाइस चक्का उठाने की डिमांड आई है अब ये। तो भाई बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लिटरली बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। क्या आपको पता कल मेरी गाड़ी टूटी थी रात में? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस, कैसे हैं आप सब भाई? आज फिर से व्लॉग की शुरुआत हो रही है, घर से रोड ट्रिप एंड हो चुका है, वापस से रियलिटी में आ चुके हैं, जो कि है दिल्ली वाली रियलिटी। रोड ट्रिप का बस यही सबसे बुरा पार्ट होता है कि भाई कभी ना कभी वो एंड हो ही जाता है, चाहे आप कश्मीर टू कन्याकुमारी कर लो या कुछ कर लो, 30 दिन 20 दिन 40 दिन 10 दिन 2 दिन 3 दिन खत्म हो ही जाता है रोड ट्रिप भाई, हो ही जाता है। बाकी आज ना आपको थोड़ा पीछे क्लीन लग रहा होगा, तो भाई डंडा पड़ गया था घर आते ही। पहले बढ़िया से आके घर में सफाई करी, अपना डेस्क वगैरह क्लीन करा, फिश टैंक क्लीन करना है, आप देखते हैं आज क्लीन करूँगा कल क्लीन करूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना गंदा होने लग गया, क्योंकि भाई एक दिन ना इनका फिल्टर ख़राब हो गया था पीछे से, इतने में पानी का कलर चेंज हो गया। सो अब इसको फटाफट मैं चेंज करूँगा, दवाई मैंने डाल दी है अभी, वैसे तो चेंज कर लेंगे पानी जल्दी। बाकी यार मन सा नहीं लग रहा घर पे, होता है यार ये रोड ट्रिप से आप आओगे आपका मन नहीं लगेगा घर पे। बाकी कैसी लगी आपको ये 3 दिन वाली सीरीज मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। एंड गाइस जैसा आप सबको पता है खन्ना भाई के दोस्त ने लिया नई गाड़ी, तो उस गाड़ी के लिए ना खन्ना भाई ने एक प्रोडक्ट मंगाया, सो आपको दिखाते हैं। कोई जादू काम नहीं आता भाई जिंदगी में, हाथ पैर जब तक आप ना मारो। सो आई गॉट दिस डैश कैम, सो इसके अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो भाई मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये, तो दिखाते हैं इसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस कैसा रहता है, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अब अनबॉक्सिंग के लिए मेरे पास कुछ था नहीं, तो अपनी बाइक की चाबी से इसको खोलेंगे एंड दिस इज़ द डैश कैम। भाई आज के टाइम पर डैश कैम का ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आता है डैश कैम। तो भाई बेसिक सी बात, अगर आपको कल को कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम भी लेना हो ना अपनी गाड़ी के लिए, तो कंपनी वाले सबसे पहले बोलते हैं कि भाई आपकी गाड़ी में कोई डैश कैम था? सो भाई एज अ प्रूफ डैश कैम इज़ द बिग थिंग, मतलब आज के टाइम पे भाई हर गाड़ी में होना चाहिए। सो जी क्यूबो का ये डैश कैम है, स्मार्ट डैश कैम प्रो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रस्ट ऑफ हीरो ग्रुप, यहाँ पे ऐप की डिटेल्स दी हुई हैं एंड इस तरफ दिया हुआ है बेनिफिट। भाई वीडियो एविडेंस होता है अगेंस्ट कार एक्सीडेंट, जैसे मैंने आप सबको बताया एविडेंस अगेंस्ट इनकरेक्ट चलान, प्रोवाइड्स प्रूफ ऑफ क्लेम इंश्योरेंस एंड यहाँ पे लिखा हुआ है जर्नी ब्लॉगिंग, मतलब आप ना अपने पूरे ट्रिप को ना कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है फुल HD रिकॉर्ड करता है 1080p और लो लाइट परफॉर्मेंस भी अच्छी है, वाइड एंगल आपको व्यू मिलता है इसके अंदर, इंटेलिजेंट इवेंट मिलता है, पार्किंग मोड मिलता है, मल्टीपल रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिलते हैं, SD कार्ड इसमें सपोर्ट होता है जिसके अंदर आप रिकॉर्ड कर सकते हो अपना डेटा, रिकॉर्डिंग ऑन डिमांड टाइम लैप्स और वाईफाई कंपैटिबिलिटी। सो फटाफट इसको खोलते हैं। सो बॉक्स मैंने वैसे ही पहले काट लिया है, सबसे ऊपर मिलता है आपको वेलकम लेटर और एक मिलता है आपको अडैप्टर जिसके अंदर आप केबल लगा सकते हैं डैश कैम की, और जी इधर मिलता है आपको डैश कैम, कुछ ऐसी फिनिशिंग मिल जाती है आपको डैश कैम की। यहाँ पे आप डाल सकते हैं SD कार्ड एंड बॉक्स के अंदर केबल भी होगी, आई एम श्योर अबाउट दिस। सो यहाँ पे मिलती है आपको केबल। एंड गाइस जिस टाइम पे आप ये कैमरा परचेज करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं डेमो एंड इंस्टॉलेशन का, उसके बाद फ्लिपकार्ट आपके घर पे भेजेगा एक बंदा जो इंस्टॉल कर देगा ये प्रोडक्ट सिर्फ 49 रुपीज़ में। बाकी यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना बस मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि आज के टाइम पे ना डैश कैम बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है, और अगर एक ऐसी चीज़ है ना जो मैं रेकमेंड करना चाहूँगा कार वाले बंदों के लिए, तो भाई वो भी डैश कैम। सोचो ना यार रोड पे आपके साथ कुछ भी हो सकता है, अगर आपके पास एक लाइव फीड है ना तो आप भाई काफ़ी हद तक खुद को बचा सकते हो अपने एविडेंस के थ्रू। एंड जी आई गॉट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम फ्लिपकार्ट और एक ही दिन में इसकी डिलीवरी हो गई थी, एंड ऐसे ही और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे आपको मिलते हैं जेन्युइन प्रोडक्ट्स। सो जी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको लिंक फ्लिपकार्ट की ऐप का, जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं क्यूबो 77 में रेड टाइगर DDA Pi एंड और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स। क्या बनाया है? राजमा चावल। जोर से बोला करो। राजमा चावल क्यों बनाया है? खाओ, खा, भूख लग रही है यार मम्मी, जल्दी जल्दी खिला दो खाना। क्या आपको पता कल मेरी गाड़ी टूट गई थी रात में? हाँ पता तो है, देखा तो सही, बहुत ज्यादा टूट गई, अब नहीं लेनी पड़ेगी। ले आओ फिर। ले आऊं? जाऊं अभी? पापा का बोल रहा हूँ मेरे को चेकबुक ले जा। पापा कहाँ हैं? पापा को ही ले जाऊं? घर के कागज कहाँ हैं? सब रखा है ना, घर के कागज और पापा का चेकबुक दे देना, पापा को भी साथ दे देना, ठीक है?
थोड़ा सोना चांदी मिल जाता तो अच्छा रहे। कागज का है पापा, जल्दी बताओ गाड़ी लेनी है आज। पहले ऐसा है हाँ, तो आपके अकाउंट में 50,000 रुपए डाल फिर बात करेंगे। बाकी यार जो गाड़ी में कांड हुआ वो मैं आपको बता दूंगा, पहले आज ना मेरे को फिश टैंक भी क्लीन करना है क्योंकि सच्ची बहुत ज्यादा इसका गंदा हो चुका है पानी। एंड भाई नाश्ते में आज हमारे घर बनी है बहुत बढ़िया वाले राजमा और सैलेड, साथ में राइस भी है बढ़िया वाले। फटाफट नाश्ता कर लेते हैं एंड फिश टैंक स्टार्ट करते हैं भाई क्लीन करना। जी कैमरा एंगल हो चुका है हमारा गड्डी में सेट। अब आपको ना मेन मुद्दा बताते हैं मेरे साथ कल क्या हुआ। जैसे आप सबको पता है मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली कि खन्ना भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है। सो भाई जी हाँ सच है ये, मेरी गाड़ी का कल दूसरी बार क्रैश हुआ। एक बार पहले हुआ था वो भी स्विफ्ट के साथ हुआ था एंड उस टाइम पे भी स्विफ्ट में ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया था और सेम चीज़ इस बार फिर से हुई। कैब वाले भैया चला रहे थे स्विफ्ट, एक रास्ते से हम गुजर रहे थे, वैसे दोस्तों के साथ खाना खाने गए हुए थे, सबको ड्रॉप कर दिया था, दोस्त के घर जा रहे थे एंड जैसे ही जा रहे थे यूटर्न आया एक रास्ते में। सो यूटर्न आया और मैंने इंडिकेटर दिया, रात का टाइम था और मैं यूटर्न लेना मैंने शुरू करा। जैसे ही मैंने यूटर्न लेना शुरू करा पीछे से एक गाड़ी आई जिसने ब्रेक लगाने की कोशिश ही नहीं करी, शायद से उसको पता ही नहीं चला कि आगे कोई गाड़ी खड़ी हुई है और बम्प करके वो गाड़ी मेरे पीछे वाले बम्पर के अंदर घुस गई। सो जी हाँ, टैक्सी वाले भैया ने कल अपनी टियागो के अंदर पप्पी दे दी बढ़िया से, बट चीज़ें उल्टी हो गई। प्राउड ऑनर हूँ भाई मैं टियागो का, ये गाड़ी मतलब जो मर्जी कह लो लेकिन इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है भाई उस गाड़ी को कोई बीट नहीं कर सकती। सो स्विफ्ट में भाई बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लिटरली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हेडलाइट टूट गई, बम्पर टूट गया एंड साइड का फेंडर पिचक गया और भाई गाड़ी का जो बोनट होता है वो तक पिचक गया क्योंकि इम्पैक्ट था इतना और मेरी टियागो का बम्पर तक नहीं उतरा। सो जो अभी प्रॉब्लम आई है ये तो बफिंग वगैरह करा के चली जाएगी। तो ऐसा कुछ सीन था एंड इससे पहले भी जो क्रैश हुआ था उसमें भी डिग्गी में थोड़ी सी दिक्कत आई थी और वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं थी, बट दूसरी गाड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सो दैट्स वाई टाटा इज टाटा गाइस। बाकी घर को भी टाटा कर दिया, फिश टैंक मैंने क्लीन कर दिया था जितना हो सकता था। एंड मोमेंट ना लाइट चली गई तो फिर मैं कहा यार पापा अब मैं निकल रहा हूँ घर से। तो घर बैठा था अभी ना सिटी भाई से बात हुई, एक चीज़ हम ना बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे तो वो चीज़ करने के लिए मैं घर से निकल चुका हूँ। विश मी लक गाइस। चार्जर नंबर एक, चार्जर नंबर दो, चार्जर नंबर तीन, चार्जर नंबर चार, फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा गाइस मेरा, बिल्कुल ना गुस्सा आ रहा है। एक केबल तक नहीं है यार चार्जर में, चार चार्ज लेके घूम रहा हूँ गाड़ी के अंदर और फास्ट चार्जर, टाइप सी चार्जर, हर तरीके के चार्जर है गाड़ी में। सच बताऊँ भाई मन नहीं लग रहा घर पे, होता है भाई। आप ना नोटिस करना रोड ट्रिप से आने के बाद का जो अगला दिन होता है ना भाई बहुत ज़्यादा डर होता है। सो जैसे आज वाला दिन है ना मन सा ही नहीं लग रहा डेली में, क्या करें। आपके लिए ब्लॉग तो बनाना ना, होता क्या है ना कि देखो अब ना मेरे से घर नहीं बैठा जाता, मेरे को अभी होता है बस कुछ भी करूँ और सुबह 9 बजे ब्लॉग डाल दूँ क्योंकि यार बड़ा अच्छा लगता है। भाई इसकी गाड़ी भी आ गई, शर्म नहीं आई इस लौंडे ने भाई मेरे को यहाँ तक बोल। अबे तेरी गाड़ी तो आ गई, तूने बुलाया किस लिए मेरे को? अरे खाई गई थी हॉस्पिटल। भाई का हैप्पी बर्थडे अगर ले, पार्टी होगी। तो भाई सुमित भाई का बर्थडे है और अब ना हम प्रिंस को कॉल कर रहे हैं और मजे लेते हैं। मेरे को पता है कुछ ना कुछ गंदा ही बोलेगा तेरे बारे में। सो ऑन कैमरा क्या हाल है भाई के? बढ़िया बढ़िया। क्या कैसे कब आएगा? सुमित का बर्थडे है रात में, फोन नहीं आया मेरे पास, फोन आया था आ जा यार दोस्तों है यार, लेकिन अरे यार मेरे को फोन किया तेरे को फोन करा एक ही तो बात है। कब आज शाम में? सही में उसका बर्थडे है भाई? भाई मुझे नहीं बुलाया है। अभी तो बर्थडे पे खुद थोड़ी बुलाते है कोई, मेरे को तो फोन कर दिया था उसने कि भाई थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। अपाची 310 में 70 रुपए का पेट्रोल तो जी मारा जाएगा। तो भाई जो हमारा काम है ना, जो हम चीज प्लान कर रहे हैं उसमें ये मोटू भी इंक्लूडेड है। हवाबाजी गाइस पहले से ही बना के चलनी पड़ती है तभी तो पैसा आएगा ना गाइस जिंदगी में, क्या ना पैसा। सो भाई ईशान भाई पीछे से आ रहे हैं, ईशान भाई को लगेंगे 10 मिनट। तो गाइस सामने से आ रही है एक थार, कल हमने स्विफ्ट को तो टक्कर मार के दिखाई, अब थार में टक्कर मार के दिखाते हैं। इसने मार दिया मेरा सारा बम्पर बम्पर सब उतर जाएगा। देखो सेठी भाई आज बड़े सेक्सी लग रहे हो। ये क्या कर रहे हैं अभी मीटिंग से बस खाली हुए वो, आज वो लग रहे हैं केजीएफ केजीएफ रॉकी रॉक सेम वही स्टाइल है वही। हां रॉकी वाला सूट डाला हुआ भाई ने। चले भाई लुक तो सही रहा भाई। हां बढ़िया ऐसे
मिलेगा। बाकी गाइस सारा काम को निपटा के अभी मैं निकल चुका हूँ वापस। अभी का सीन ये है कि घर जा रहा हूँ और रात में ना, मतलब अभी शाम के बज चुके हैं 7, हम लोगों का ना 10 बजे का प्लान है। सुमित के कैफे पे ही थोड़ा बहुत अपन ने डेकोर करवा दिया भाई के लिए, सरप्राइज तो नहीं, उसको पता ही है क्या हो रहा है क्योंकि भाई का तो डेली का काम है। सो भाई एक छोटे से हमने पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करी है एंड बाइक पे मैं आऊँगा क्योंकि भाई जिंदगी में एक दिन बाइक नहीं चलाई तो अब ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन हो गए बाइक स्टार्ट नहीं हुई। सो गाइज एक दिन में पूरे 4 बार मैंने कपड़े चेंज करे हैं और अब फाइनल वाला गेटअप चेंज करके मैं जा रहा हूँ सीधा सुमित भाई के कैफे। अगर बाइक ज़्यादा गंदी हुई तो भाई मैं पहले रुक के बाइक वॉश कराऊंगा क्योंकि मैं भाई गंदी बाइक लेके नहीं जा सकता। सच में यार ये बाइक ना फील है, मैं रोड ट्रिप से जैसे ही आया था ना मैंने बाइक एक दिन नहीं चलाई थी क्योंकि ना व्लॉग में हम एक दिन आगे चल रहे थे। सो एक दिन बाइक नहीं चलाई, ऑन कैमरा तो आपको डेली बाइक दिख रही होगी बट भाई क्या चीज़ है यार, क्या चीज़ है। वार्म अप करो ना भाई, भीड़ लग जाती है, लोग देखने आते हैं कि भाई कहाँ से कि क्या गुर्रा रहा है भाई, ये स्टार्ट क्या कर रहा है। और भाई लाइंस के बाद ना ऐसी वाइड लगती है ना भाई। सो अब जी दिक्कत क्या है, 20 किलोमीटर की फ्यूल रेंज है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और प्रिंस दूसरी बड़ी दिक्कत है क्योंकि ना वो पहले पहुँच चुके हैं जहाँ मेरे को पहुँचना था। मैंने बोला भाई मैं 2 मिनट में आ गया लेकिन मैं तो अभी घर से ही निकला हूँ। चक्का चक्का भी उठाता हूँ इस अभी चक्का अभी भाई गाइस चक्का उठाने की डिमांड आई है। अब ये उठ गया चक्का भाई, मेरी फटती है 900 में तो भाई फिर भी बिली मार लेता था, इस पे बहुत डर लगता है कसम से। 10 मिनट वेट कराया था ना मुझे। कुछ कहना चाहोगे, आपको आवाज़ का लुफ्त आ रहा है भाई? यहाँ से फ्यूलिंग भी करा लेंगे और बाइक पे फटाफट से पानी भी लगवा लेते हैं। भाई पर मिनट कितने रुपए लेते हो बताओ? 100 रुपए। मानता क्यों नहीं है 100 रुपए? फ्री में करा दूंगा, डीडी ले आएगी आराम से, मजाक नहीं कर रहा। घर की खेती है फिर भी बाहर जा रहा। यार डीडी कितनी दूर है मेरे घर के आसपास, तुम मेरे को एक फ्रेंचाइजी खोल के दे दो ना। सौरभ सर इसको मेहरोली में डीडी की फ्रेंचाइजी खोल दो, ठीक है? साकेत मालवे नगर भी चलेगा भाई। आज मेरे को ट्रेनिंग देंगे बाइक कैसे वॉश होगी क्योंकि ना मिट्टी चढ़ी हुई है, ज़्यादा गंदी नहीं है, एलॉय वगैरह थोड़े से गंदे हैं। सो इंस्टा के लिए रील बनाएंगे बढ़िया वाली। सो गाइस बाइक की किस्त नहीं जा रही तो ये पार्ट टाइम का शुरू कर दिया यहाँ पे। जा रही है भाई। क्या सीन था भाई, अकेले थे भाई, आपका हाथ मैं बटाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, रील बना लेते हैं हम बढ़िया वाली। सो मैं कहा भाई हाथ बटा लेते हैं। फोटोग्राफर अंकल जी हम क्या आपके जितनी श्रद्धा उतना डाल दो। अरे सर श्रद्धा तो आपकी। अगर कुछ नहीं देखो नई बाइक अंकल कुछ शगन में डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हो। बाकी अंकल बाइक कैसी लगी आपको? भाई बहुत बढ़िया। बढ़िया एक नंबर। एक नंबर बाइक। चलिए थैंक यू सो मच अंकल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सो जी बढ़िया से बाइक वॉश करा ली है, फ्यूलिंग भी करा ली है, अब देखा एकदम से सारे नंबर आ गए और फ्यूल थोड़ा सा टाइम लेता है। फ्यूल फुल। हाँ ये पापा है, ये इसका बच्चा है। अब ये मत पूछना इनकी मम्मी कौन थी। ओह माय गॉड। भाई BMW की अब सेक्सी गाड़ी जा रही है भाई, इलेक्ट्रिक है, नेक्स्ट लेवल है। बाकी अभी अपन लोग हैं क्लोज टू साइबर, अब 11:15 हो चुके हैं और कॉल पे कॉल आने शुरू हो गए हैं भाई। कहाँ लेट चल रहे हो, सो बस फटाफट पहुंच रहे हैं। तो भाई जिगरा हो तो खन्ने जैसा ले भाई, बर्थडे दे रहा गिफ्ट मेरा भाई, ये चाबी ले ले भाई, 1000 RR की बस ले भाई, तो कुछ ना दे दी ना हमेशा के लिए बिल फ्री है ना? नहीं भाई गाइस 2 साल का खाना फ्री है इसकी तरफ से, जो भी आएगा डिस्काउंट भी नहीं होगा। गाइस अगर आप भाई के कैफे आते हो पैसे देने की जरूरत नहीं है, कूपन कोड है खन्ना ओमकार 99.9% ऑफ, ऐसा 0.1% दे देना होगा पक्का। चलो ऐसे लिया ना किसी से गाइस, बता देना भाई को। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं घर, अभी मत पूछना किसके घर। भाई आ गया ट्रॉफी। आ गया तू कहाँ आ गया?
बातों में भी नहीं जीत सकता तू आया बड़ा। सो भाई बहुत ज्यादा लेट हो गया था और क्या शोर मचाते हुए प्रिंस घर जाता। इसकी बाइक में तो खैर शोर है ही नहीं, बाकी मैं कैसे शोर मचाता हूँ घर जाता। और हमारा कुछ सेक्सी सा प्लान था कल का, तो आज का जो हमारा स्टे है वो संतोष भाई के घर पे। भाई लग रहा है इधर सूट साफ करने के लिए, क्योंकि हम कुछ तगड़ा सा प्लान कर रहे हैं गाइस। भाई एडिटिंग कैसी करनी है बता दे यार, मैं कर दे रहा हूं। ओ अभी करा रहा हूं तेरे से, एडिटिंग पूरी करेगा फिर। हां हां बना दूंगा अभी तेरे को सुपरस्टार। ये शॉट लगाऊंगा लगाऊंगा बाइक वाला। बाकी गाइस कैसी लगी आपको आज की ब्लॉग मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। एक ही बेड पे भाई मैं, संतोष और प्रिंस, और प्रिंस के कान पे बजने वाले हैं क्योंकि बहुत मच्छर रहे दो चार दिन से ना। हिंट आपको अगले ब्लॉग में मिल जाएगा। आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। टिल देन रब 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 गाइस, प्लीज सब्सक्राइब करिए गाइस, गाइस डू सब्सक्राइब भाई। आ गया यस, सब्सक्राइब सब्सक्राइब जल्दी गाइस।